घुटने में इंजेक्शन। तो घुटने में इंजेक्शन देना भी कई लोग रिकमेंड करते हैं। आइए साइंटिफिकली हम देखते हैं कि घुटने में क्या इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, और अगर देना है तो किस तरह के इंजेक्शन घुटने के दर्द में लाभकारी रहेंगे। घुटने में इंजेक्शन आमतौर पर तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला इंजेक्शन स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि तीन प्रमुख सोसाइटी हैं जिन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, और तीन सोसाइटीज़ में से दो सोसाइटीज़ स्टीरॉयड के इंजेक्शन को बहुत रिकमेंड नहीं करती हैं, परंतु अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी सोसाइटी जो है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन को थोड़ा रिकमेंड करती है। तो अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो कुछ लिमिटेड पेशेंट्स में घुटने में स्टीरॉयड का इंजेक्शन दर्द कम करने और सूजन कम करने के उद्देश्य से कुछ पेशेंट्स में दिया जा सकता है। दूसरा जो इंजेक्शन की हम बात करेंगे वो हाइलुरोनिक इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको ऑयल का इंजेक्शन या ऑयलिंग का इंजेक्शन या घुटने में तेल डालने का इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसको हमारी भाषा में विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। इस इंजेक्शन में घुटने का जो द्रव्य होता है जिसको साइनोवियम बोलते हैं, उसको घुटने के अंदर एक इंजेक्शन के माध्यम से डाल दिया जाता है। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तीनों ही प्रमुख सोसाइटी इस इंजेक्शन के प्रयोग का खंडन करती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि घुटने के अंदर विस्को सप्लीमेंटेशन या हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लेने से लाभ नहीं हो पाएगा। तो आमतौर पर यह इंजेक्शन लेना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा, और ये इंजेक्शन जिन भी मरीजों को दिया गया, जितनी भी स्टडीज हुई हैं, उनमें ये पाया गया है कि ये लंबे समय तक आपका दर्द रोकने में सक्षम नहीं है। ये इंजेक्शन बहुत लाभकारी नहीं है, और इनको रूटीन बेसिस में पेशेंट को देने का लाभ नहीं है। तीसरा इंजेक्शन जो एक एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन है और जिसका रोल धीरे धीरे ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है, वो है PRP इंजेक्शन। इसको हमारी भाषा में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी बोलते हैं। इसमें आपके शरीर से खून लिया जाता है और उसको प्रोसेस करके आपके घुटने के अंदर डाल दिया जाता है। ये थेरेपी भी आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। बहुत ज़्यादा प्रूवन स्टडीज़ नहीं हैं जो इस इलाज का समर्थन करें, इसलिए आज की डेट में 2020 में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि PRP इंजेक्शन भी बहुत प्रभावशाली घुटने के दर्द में नहीं हो पाया है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, परंतु आम तौर पे ये इंजेक्शन लेने का बहुत फ़ायदा नहीं है। अब मैं आता हूँ एक ऐसे इलाज की ओर जिसके बारे में काफ़ी सारा मार्केटिंग और काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट हुआ है। इसको बोलते हैं एडिपोज इंजेक्शन इन द नी। इस प्रक्रिया में आपके पेट की चर्बी निकाल के उसको प्रोसेस करके आपके घुटने में डाला जाता है। बहुत सारी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के अभाव में आज की डेट में मैं इस पद्धति को रिकमेंड नहीं करूंगा। तीनों ही मेजर सोसाइटीज़ इस पद्धति के बारे में अपनी कोई राय अभी नहीं दे पाई हैं।